कार्यक्रम न्याय के प्रतीक्षा। राम राम श्रोता, न्याय के प्रतीक्षा रेडियो पत्रिका के थारू श्रृंखला के दशौं संस्करण में यहाँ उकन हार्दिक स्वागत बा। कार्यक्रम लेखमय गीता चौधरी उपस्थित हो सेक्ल बाटू। कार्यक्रम न्याय के प्रतीक्षा में रेडियो श्रृंखला FWLD ओ टीपीओ नेपाल के सहयोग में रेडियो कांतिपुर से प्रसारित रेडियो पत्रिका हो। यी रेडियो पत्रिका सशस्त्र द्वंद ओ युद्धकालीन हिंसा के पीड़ित हुकन के समस्या हन न्याय के डगरसम्म लैजाए ओ संक्रमणकालीन न्याय आग बढ़ाएकला सहयोग करना उद्देश्य लेख तैयार करगिलक हो। न्याय के प्रतीक्षा नेपाली भाषा मन हरेक दुई अठवार पाछ सोमबार बिहान 7:30 थेसे 8 रेडियो कांतिपुर में प्रसारण हुई कलसे नेपाल मन सर्वाधिक डाउनलोड हुईलक मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो यूट्यूब ओ फेसबुक पेज न्याय को प्रतीक्षा से फे पोडकास्ट कै जेट याकरसँग यी कार्यक्रम थारू भाषामा फे रेडियो स्वर्गद्वारी दाङ कृष्णसार एफएम नेपालगञ्ज बाँके रेडियो बबै बर्दिया रेडियो रामज्ञानु बर्दिया ओ दिनेश एफएम धनगरी कैलाली से फे हरेक दुई अठवार पाछ शुक्रबार सन्झेक समयमा प्रसारण हुइत। कार्यक्रम न्याय के प्रतीक्षा मन पाचक कुछ श्रृंखला थे से हमरा स्थानीय सरकार के नेतृत्व हुकन से अंतरक्रिया करती द्वंद्व पीड़ित के समस्या व आवश्यकता संबोधन में स्थानीय सरकार के भूमिका विषय में संवाद प्रस्तुत करती आयल बाटी। आज के कार्यक्रम मन हमरा एक ठो छुट्टी मुटी नाटक प्रदेश सांसद से करगिलक बातचीत व संक्रमणकालीन न्याय के संदर्भ में जिला में करगिलक गतिविधि लेख उपस्थित हुई बाटी। कार्यक्रम के शुरू में हमरा यी छुट्टी मुटी नाटक से द्वंद्व पीड़ित के कथा व व्यथा प्रस्तुत कर चाहती आई श्रोता जाय विवेक के गाँव में। यी भाइरस संक्रमण के विषम परिस्थिति में फे सामाजिक दूरी कायम के आजुक यी सभा में मास्क सहित उपस्थित हुईल कबीला हुकन स्वागत बा। हमरा रत्नमावि विद्यालय के संरक्षक हो गाँव के अगुआ समाजसेवी हमार लग्ग के मित्र विवेक थारू बिटलक आज 15 के वार्षिक उत्सव में वहाँ के समझना में हमरा भेला हुई बाटी। सशस्त्र दंड काल में हुईलक हिंसा में विवेक जी ओह स्कूल लग्ग के रुख में झूला के हत्या हुईलक समझबेर आज फिर डर लग टिक बा ऊ घटना हुईलक 15 बीत सकल बा। यही बीच में देश व समाज में फे ढेर बाट के परिवर्तन हुईल से फे तर दंड काल में हमरा जवैलक आफंत के दुख व पीड़ा आमी फे जस का टस रहल बा। यह मेरमेक दुख में फे एक ठो दुख हो होनहार समाज सेवी विवेक जी फे जवाई परबेर दुख बाकल से झन पीड़ा विवेक जी के परिवार होकर न्याय नि पाबेर महसूस बाटिन। यी 15 पुण्यतिथि में न्याय के आश्रम समय हाली नई बिताईकना हमार चाहना रहल बा। आ मई सामाजिक दूरी कायम करती यी माइखन विवेक के लग्ग ओ आबकी विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सदस्य ओ वडा अध्यक्ष पुकार जी देह चाहटू। विवेक सर ओ सर जस्ता ढेर जान हमरा युद्धकालीन समय में युद्ध के पक्ष ओर से करल हिंसा के कारण हुकलेन गुमाई पुगली। आज देश में आमूल परिवर्तन हुईल बा, शांति के पुनः स्थापना और लोकतंत्र आयल बा, तब हुन फिर द्वंद्वकालीन हिंसा पीड़ित हुकलेन न्याय के पहुँच हुई से अकल नहीं हो। संक्रमणकालीन न्याय के पहुँच नई दिगो शांति के एक ठो डगरा हो। विवेक सर ओ सर जसिन ढेर न हिंसा पीड़ित है न्याय दिलाई हमरा सक्कु टहटपका के मने मिलके तीन ठो सरकार से ओ नागरिक समाज मिलके आगे बढ़ना जरूरी बा। स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि के हैसियत से हमार ओडा में हुईलक असिन दंड पीड़ित के पहचान ओ हुकन के न्याय के प्रतीक्षा कम कर हमार ओडा सद लगती रहने बा। कोरोना के ई कर्रा परिस्थिति में फे दूरी कायम करती यहाँ हुकरा आ देली ओम न यहाँ हुकिन सक्कु जाइन धन्यवाद बा। ओड़ा के साथ में ओ नागरिक समाज के अगुवाई में विवेक सर शरीर त्याग करल ई स्कूलिक पंजर के रुखवा में चौतारा बनाई ओ उठाव विवेक चौक के रूप में देना कह के घोषणा करती उठाव में आज शिलान्यास कई जीना बा। विवेक सर जसिन ढेरनक द्वंद पीड़ित हुक ओ उनकन के परिवार है न्याय के प्रतीक्षा में दुख कष्ट सहन करती रहल बाट वहाँ उकन सक्कु जाइन हाली से हाली न्याय पाइट करना शुभकामना फिर दे चाहतू।
विवेक जी के छाई ओ यही स्कूल के पहिलक विद्यार्थी रमाहा आजुक मंच में आई अर्जी करतु सक्कु जहन राम राम मै त कब्बु फे अपना बुझना हुल्थे से बाबा कहनी पाइल हुटू मै छुट्टी रह बेर बाबा बीतल मई बाबा हाँ मजा से फोटो मकलक देखल बाटू बाबा हाँ आखिर के मारल का कर मरल वो अपराधी कार्यवाही करना वो हमारे न्याय वो क्षतिपूर्ति कहिया पैना था बाबा परिवार के एक ठो कलक कमैना मन आ रहा बाबा के हत्या हुई पाछा हमार परिवार भोगल कष्ट आर्थिक समस्या दुख वो आस के कथा एक उहर बा पुकार दादू कहल जस्ता ई मुहर बाबा या विवेक सर वो वहाँ उकन के परिवार मन कलहक बेठानी हो ई द्वंद पीड़ित लाखों परिवार के बेठा हो न्याय के प्रतीक्षा न आप सैकल सम झट्ट ओराइक लाख हमरा लग्न जरूरी बा बाबा प्रति ओ सक्कु द्वंद पीड़ित हुकन प्रति के राज्य के वो नागरिक समाज के सक्कुन से भारी डाइटो कलक नई संक्रमण कालीन न्याय के वितरण हो मुहर बुबा आपन छाओ न अपना जराई पर अबेर के पीड़ा के बुझल बा बुढ़ी खसकटी गैलक स्वास्थ्य स्थिति मुहर दाई के एक कलपन वो बाबा बिना हुर्क पड़लक दुख हमारो कलक नहीं हमार जस्ता लाखों अन्य द्वंद पीड़ित परिवार हाँ न्याय के खाँचो बा न्याय के प्रतीक्षा कम है मैं आपन बाब हाँ समझती मुहर बाब हाँ हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण कर चाहती विवेक के परिवार के कथा तो एक ठो प्रतिनिधित्व करना कथा कलहक हो यहाँ विवेक के परिवार जस्ता ढ्यूर परिवार न्याय के प्रतीक्षा मन बैठी रह बाट हुक्र कहिया न्याय पहिकना बाट अन्यल में रह बा ई एक ठो दुखक बाट हो कार्यक्रम के औरो भाग में आज हमारा द्वंद्व पीड़ित के समस्या व आवश्यकता संबोधन में प्रदेश सरकार व सांसद के भूमिका विषय में संवाद प्रस्तुत करती बाटी आज के कार्यक्रम में हमारे संग अतिथि के रूप में सुदूरपश्चिम प्रदेश के प्रदेश सांसद बीरमान चौधरी ओ लुम्बिनी प्रदेश के प्रदेश सांसद दीपेश थारू रहल बाट यहाँ उक्र दुनु जहन कार्यक्रम में स्वागत बा हजुर के प्रदेश में द्वंद पीड़ित के अवस्था कसिन बा सुदूरपश्चिम के प्रदेश सांसद बीरमान चौधरी जी अब हमारे प्रदेश में द्वंद पीड़ित हुकन के अवस्था कुछ समाधान हुई बा कुछ समाधान हुई ना अपना बाकी बाबू जन युद्ध कालीन के बल अपने बाकी बाबू ने कुछ परिवार हमने लेने को दे था एक कुछ सही महिला हुकन के फिर हमने फिर फटफट बाट आई थी बा नेपाली सेना से न्याय हुई ला सरकार पक्ष से न्याय हुई ला और कसंग संग पछिल्ला शांति प्रक्रिया में विभिन्न समुदाय होकर आंदोलन करा भी बात है हमने न्याय नहीं पहले बिठा चुनाव से हमने बाकी यह प्रश्न मई लुम्बिनी प्रदेश के प्रदेश सांसद दीपेश थारू जी हैं फिर पूछ टू द्वंद पीड़ित ठोकन कमरा अब क्या कर रहा बाटी गला से यही ना कि एक ठोकाल के डॉक्यूमेंट्री बनाई पड़त द्वंद पीड़ित ठोकन डॉक्यूमेंट्री बनाई पड़त राज्य पक्ष के कटरा अनि पूर्व माओवादी के विद्रोही पक्ष के कटरा ये ना एक ठो डॉक्यूमेंट्री बनाई पड़त वो कहाँ कहाँ कौन कौन नाम ठहर का कई खाना एक द्वंद पीड़ित ठोकन साइंट डॉक्यूमेंट्री बनाई पड़त कई खाना एक ठो खाल के समझ बनाई लगाती वाकर संग संग हमारा घाइटे अपांग लगायत शहीद बेपत्ता परिवार होकर लाख हमारा के ही मलम लगेना कार्यक्रम जस्ता तालीम के बात हुई अन्य अन्य कार्यक्रम में सहभागी करेना मुख्य कहीं मर निर्वाचन क्षेत्र में न कही कहना हमारा चाहिए करीब करीब द्वंद पीड़ित होकन ऐना साल में न सबको जनक प्रत्येक पाली दोनों पालिका मर निर्वाचन क्षेत्र गेरुआ गांव पालिका राजापुर नगर पालिका में नही एना चाहे डॉक्यूमेंट्री बनेना हमारे प्लान बनेला बाटी वो आकर्षण घाइटे होकन चाहे गत वर्ष में हमार प्रदेश से रलक घाइटे होकन सबको जनक चाहे उपचार करना सम्बन्धित स्थानीय तह से सिफारिश लेकर प्रदेश नंबर 5 में सबको घाइटे उपचार करना संपर्क महिला करीब करीब उपचार कर लाटी द्वंद पीड़ित के लम्बा समय थे से न्याय के प्रतीक्षा संबोधन कर हजूर प्रदेश सांसद वो सरकार में का कसिन पहल कर लाटी लुम्बिनी प्रदेश के प्रदेश सांसद दीपेश थारू सरकार के हिसाब से द्वंद पीड़ित के आप नवा समय के हमारा कुछ नहीं हिल सके 5 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यक्रम ग्रामीण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य कहना द्वंद पीड़ित कलक प्रभावित हुई ठाव कलक बर्दिया हमारे प्रदेश के हक में रोलपा रुकूम सबसे ढेर बर्दिया नहीं हुई पहुंचे हमारे बर्दिया में द्वंद पीड़ित कम से कम कृषि में या अन्य पेशा में
एना ना वहाँ आउकन हमरा चाहिँ कम से कम रोजगारी सिर्जना कर परत कना हिसाबले कुन हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन करना कै कना सोच बनैल बाटी हाम्रा वाकर संग संग दण्ड पीड़ित के थाई छ आउकन छात्रवृत्ति देना सबको जान त नै सिक गिलो तर फिर छात्रवृत्ति दिए परत कहीं छात्रवृत्ति देना लगायत के कार्यक्रम हमारा संचालन करती आयल बाटी। यह प्रश्नमय सुदूर पश्चिम के प्रदेश सांसद बीरमान चौधरी जी फिर पूछो। अब खास करके दंड प्रभावित मन हुकन के न्याय देना और कानून बनेना कोशिश में हमारे बाटी अब एक खास करके न्याय के लाग संघ सरकार के मुख्य भूमिका बाटी से सत्यनिर्भर मेन मिलाक आयोग सेवा हो अब उमेश एफएन एक दंड प्रभावित हुकन के अलग छुट्टा आयोग सेवा हो दुई ठो आयोग मार्फत जो टीआर बनल बा काम करना ढिला कर कारण पाई पर्न मन हुए खास करके न्याय नौकरी देश पर समन्वय और सहजीकरण करना हमारे भूमिका हो वही हमारे आगे बढ़े की बाटी और न्याय में पहुंच देख लग न्याय देख लग हमारे कानूनी कोशिश में हमारे आगे बाटी जैसे अन्य अन्य विषय में पाई पर्ने सेवा सुविधा से लेके जाके मानसिक रूप में न्याय देने हिसाब से हमको कानूनी कोशिश आगे बढ़ा के कानून निर्माण कर सके बाटी। द्वंद्व पीड़ित के लम्बा समय थे से के न्याय के प्रतीक्षा न संबोधन कर हजुर के प्रदेश सरकार का कसिन पहल योजना आघ सर्वबाट सुदूर पश्चिम के प्रदेश सांसद बीरमान चौधरी जी खास करके यहाँ हमारा एक छोटे न्याय में प्रलमन है अन्याय में प्रलमन है न्याय देना चाहिए मुख्य विषय हो चाहे द्वंद्व प्रभावित के बेला के हो जनतालीन न्याय हो चाहे अन्य शांति प्रक्रिया में आके सके अब न्याय में प्रलमन है सकारात्मक तरीका से सोच बना के अन्याय में प्रलोभन है खास करके न्याय देना हिसाब से हमने एक छुट्टे संरचना बनाना हम परिकल्पना कर लगा थी सत्यनिर्भर मेनुला आयोग के तब बतेन वहाँ है जनयुद्धकालीन द्वंद्वकालीन बेला के वही थे न्याय देहक लगते है तर संरचना बनना हमने बाकी ऊपर के संरचना के बनल बा हमारे यहाँ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय मार्फत ये काम आगे बढ़ेना करना हुई बाकर अपने कानूनी ड्राफ्ट को कर लक्ष्य ही जो आचार संहिता पर ना हो ओकर लक्ष्य ही सीडीओ कार्यालय मार्फत जो ना वो चाहिए प्रदेश में ना अपने अधिकार बाकी बाबू तो हमारे ये न्याय में प्रलम्बन नहीं होकर सहज तरीका से न्याय देख लग हमारे चाहिए अपन पहल से आगे बढ़ल बाबू प्रशासनिक हिसाब से थे कानूनी हिसाब से थे अब विधि में कहूँ बिगड़ल बा कल से हमें विधि के सत्या के दिन में तैयार बाटी। यह प्रश्न मई लुम्बिनी प्रदेश के प्रदेश सांसद दीपेश थारू जी फिर पूछो। ये आप वहाँ होकर ये आप दंड पीड़ित होकर छानबीन करना सवाल मन का होकर से प्रदेश से मुख्य कहना ये केंद्र के सवाल हुई कुमार से प्रदेश के कुमार से हमारा यदि केंद्र चाहे वो कार्यक्रम आगे बढ़ाई कर सकते कानूनी रूप में नहीं प्रदेश से यह करना कना मेरे से न्यायिक छानबीन करना सवाल में केंद्र के अधिकार हुई कुमार से हमारा ओसिन ठोस कार्यक्रम ओसिन खास कर लो नहीं हुई थी योजना फिर नहीं बनी रही थी हजुर नहीं बने रही थी कौन तथ्यांक बा यहाँ हुकन से अपन प्रदेश महिला द्वंद्व पीड़ित हुकन के बारे में सुदूर पश्चिम के प्रदेश सांसद बीरमान चौधरी जी हमारा खास करके एक तो मोरेवाड़ा में बताई जगत चौधरी का नहीं तो वहाँ के हमने हाथ में पायल जैसे धनगरी उप महानगर पालिका भीतर के 18 नंबर वाड़ा में न्याय नहीं पैली थे कैलाली के ठाव में चाहे हमने न्याय पाई पर्ना मन हो गए अन्याय पड़ल चाहिए हमने पल बात जैसे जनयुद्धकालीन बेला लागल मुद्दा जो बाटिन मन वही चाहे वो लागल हो गया कि आंदोलन में लागल मुद्दा अपने होटल में हुटिन क्या सत्य निर्वाचन में लगा है काम हो उनटल हो जैसे अपनी अन्य टीकापुर घटना हुई एम एफ ए पाई पर न्याय हुकरे मन नहीं पीले हो तो हमारे ऐसे खाल के ठुकरे बाबे हमारे प्रदेश में करीब करीब धने धने तथ्यांक हेरे पर अब ढेर मनई बात है एग्जैक्ट कहीं प्रदेश भर के अतरा मनई बताई कला थे नहीं हो तो कैलाली कंचनपुर से लेके ऊपर ड्यूटी में फैन एक ठुके सस्ते खाल के बाबे जो अपने नए वहाँ बाल बच्चा पढ़ने का समस्या रहती जैसे दाचुला में एक खाल के केस का मतलब खोजती के लिए थुप्रे केस का ये समाधान कर रखला जो प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र भीतर नहीं आये हो तरह हम सिफारिश कर सकने में तहदक बढ़ती हमारे। यह प्रश्न मई लुम्बिनी प्रदेश के प्रदेश सांसद दीपेश थारू जी फिर पूछो। तथ्यांक ये किन कही बर्दिया के तथ्यांक चुनाव से बर्दिया के दे सक जाए मर निर्वाचन क्षेत्र के दे सक समग्र प्रदेश के तथ्यांक लेक लाख
हमार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय से तथ्याङ्क बा ये समग्र पालिका से गेल बा पालिका वहाँ से तथ्याङ्क लेना काम थे विल बा समग्र पालिका वहाँ से तर याकर एक ही तथ्याङ्क मर्थे अब नहीं हो। स्थानीय तह से द्वंद पीड़ित होकर न्याय दिलाइकला का कसिन समन्वय कटी रहल बाटी लुम्बिनी प्रदेश के प्रदेश सांसद दीपेश थारू हमारा स्थानीय तह से जस्तो स्थानीय तह से द्वंद पीड़ित होकर न्याय दिलाइकला मैं तमन्य के कनु जस्तो की हमारा वहाँ होकर ना तालिम के अनि वहाँ शिक्षा होकर ना रोजगारी सृजना अनि कृषि में आगे बढ़ना दोसों आखन वही ना अन्य क्षमता अभिवृद्धि तालिम लगायत के कार्यक्रम हुई थी फेवा वाकर लाख प्रदेश से फिर हमरा अब बकर मुख्यमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम अंतर्गत हमरा का कर खजल आर्टिकल से मुख्य कैखना प्रदेश से मुख्यमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम अंतर्गत द्वंद पीड़ित होकर बाल बच्चा होकर शिक्षा होकर यदि थाइल्यान्ड बाट वहाँ होकन छात्रवृत्ति सहित कोही एकदम थाइल्यान्ड व्यक्तिबाट कलसे वहाँ होकन इन्जिनियर पढाइ सक जाइत या डाक्टर पढाइ सक जाइत कि उमेरके बजेट विनियोजन गर परत कैखन हाम्रो सम्बन्धित स्थानीय तह हुन् सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख हुन् वो हाम्रो स्वयं प्रदेश के सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुँक्र नै वाकर सल्लाहकार हुइलक उहाँ चाहिँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा ऊ करना कैखन हाम्रो सोचलवादी यह प्रश्नमय सुदूरपश्चिम के प्रदेश सांसद बीरमान चौधरी जी फिर पूछो हमने खास करके द्वंद प्रभावित होकर स्थानीय तह और प्रदेश सरकार के समन्वय कार्यक्रम भूमिका बा हुई इन्हें चाहे सकबर अब हमने चाहे समन्वय करके वहाँ कन के स्थानीय तह के कानून बनाए नहीं मिलना हुई उन्हें सिर्फ ये मनिया द्वंद प्रभावित हो कहके सिफारिश करे मिलना थी मुजुर्गा उठाए मिलना बाकी वहाँ कन से हमें समन्वय कर काल भरखुन से मई पहलारी गाँव पालिका से 7 नंबर वाला में अस्थे खाल के केस बा हुए आधा रात पहला पाइल वहाँ खास करके स्थानीय तह और स्थानीय प्रशासन सिफारिश हुई न्याय मिलना खाल के यहाँ पर सिफारिश कर प्रवेश में ही कर न्याय मिलना खाल के बात जैसे थापापुर प्रांत आदि गाविस भजनी नगर पालिका आपके स्वास्थ्य खाल के केस ये केस है ना हमारे समाधान कर हमारे व्यवहारिक हिसाब से थे कानूनी हिसाब से थे जो हमारा समाधान करना हो हमारे बाकी अस्थे खाल के अन्य बजान के केस के अस्थे भाई कटिक न्याय नहीं पहले होता हमारा न्याय नहीं करल बात जैसे महिला के केस संग संबंधित अब महिला के विवश तरीका से मतलब रोजगार कल केस के मतलब मुद्दा लाल अपने फैसला लेने वास्ते तमाम थुप्रे भाव ये अपने द्वंद के बेला जनयुद्ध के बेला जत्रा से घटना हुन्छ यही चाहिँ अब सिरियस रूपमा कतिपय केस समाधान गर्न बाँकी बा कार्यक्रममा सहभागी होक महत्वपूर्ण विचार के लाग यहाँ कन धीर धीर धन्यवाद बा धन्यवाद मार विचार ले देलकमा हजुरहरुलाई धन्यवाद भर्खर सुनले द्वंद पीड़ितकै समस्या व आवश्यकता सम्बोधनमा प्रदेश सरकार व सांसदकै भूमिका विषयमा छलफल कार्यक्रमकै अन्त्यमा एफडब्ल्यूएलडी व टिपिओ नेपालकै सहयोगमा दाङ बाँके बर्दिया व कैलाली जिल्लामा सञ्चालन हुइतिरलक संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी परियोजना मार्फत जिल्लामा हुइलक गतिविधिकै बारेमा एफडब्ल्यूएलडी कैलाली जिल्लाकै संयोजक गणेश मल्लसे पर्गिलक बातचित प्रस्तुत गरे परियोजना मार्फत एफडब्ल्यूएलडी मार्फत विभिन्न कार्यक्रम कतिबाटी विभिन्न गतिविधि हजुरहरुको कतिबाटी कासिन गतिविधि कार्यक्रम कर्तियलबाटी उचाइस हजुर जानकारी गराइदिए विगत 2-3 वर्ष से हाम्रो एफडब्ल्यूएलडी महिला कानून विकास मंच से हमने सहकार कर जैसे संवाद समकालीन न्याय के होकरन कैसे उनके न्याय संवादन में कैसे हुई बा उनके बारे में उनके न्याय पहुंच में हमने ये संजाल उनके नजदीक रह के हमने स्थानीय निकाय में संवाद और डायलॉग के माध्यम से उनकी बात करती हमरे और ये क्या होगी हमारी गंगड़ी उप नगर पालिका और कैलाली गाँव पालिका में हम भी कार्यक्रम चल बा तो कैलाली गाँव पालिका कशिन रिलवा की अपने विभिन्न के छनौट करके द्वंदपुरे होकर उनके न्याय संवाधन में परिपूर्ण अंतरिम राहत के लग हमारे द्वंदपुरे छटनी और उनके परिपूर्ण के लग कैसे न आते हैं करके हमारे गाँव पालिका स्तर में और धनगढ़ नगर पालिका स्तर में हमारे कटी बाटी ऐसे में हमारे धनगढ़ नगर पालिका द्वंदपुर समकालीन न्याय के जो मानव है उल्लंघन में पड़ल बाटे उनके लड़कन के धनगढ़ नगर पालिका 20-25 गणन
लड़का छत्तीसगढ़ उम्र थे अब असौ कोविड 19 के कारण अब न्याय छत्तीसगढ़ हमारे धर्मगढ़ नगर पालिका अब स्कूल नहीं खुलल हमारे हमें वो करे नहीं पैली इे तरफ से हमें कैलारी गाँव पालिका में हमारे ये नेगोशिएशन के वहाँ अध्यक्ष जी हो उपाध्यक्ष जी हो कार्य पालिका के वहाँ के सदस्य जी होकर उनके बता के दुर्धन के समस्या से अवगत करेली इस हिसाब से हमें बतेली कि उन्हें पापा के हमारे समस्या पूछ के दुर्धन के वहाँ के जला करके उनके विभिन्न किस्म के तालीम कराई नहीं जैसे बाखरा पालन होटल व्यवसाय जूना टपरी और बंगुर पालन लगात के समान डोंडपुर के बहुत कार्यक्रम कर ले आते हैं और समूह में उन्हें पैसे पाने आते हैं लक्ष्य समूह करके उन्हें गए साल में उन्हें एक एक ओड़म आठ दस लाख रुपए खर्च कर ले पाते हैं ये हमारे हमारे काम का होगी डोंडपुर के संरक्षण के मानव अधिकार उल्लंघन में पड़ल डोंडपुर के उनके सहजीकरण और न्यूनीकरण कैसे करना हो प्रदेश सरकार के लिए नाम पे ज्ञापन पटक पटक दे लाती मगर सुनवाई तो नहीं हुई लोग कहना तो कहलाते हैं अब सब से करेंगे प्रदेश सरकार के ना स्थानीय लेवल में जो हम इनके पहले से थोड़ा बुझल आते हैं पहले शुरू शुरू में गए थे तो हमसे उन्हें बताएं दंडी पीड़ित बातें कहें तो अब तो कहा कहते हैं कि उन्हें अब दंडी पीड़ित के लगे बातें अब उनके लग न्याय के संपादन में अंतरिम राहत के लग कुछ कुछ धीरे सुनबुझन करते बात है उन्हें वो हमारे न्याय संवाद में कुछ न हो तो स्थानीय लेवल में कुछ करेंगी तो संघीय सरकार तो जब तक ये दुई सरकार आयल बा दुई आयोग आयल बा वह आयोग में सीमा आयल बा सब राजनीतिक दल के नियुक्ति हुई बात है वो नियुक्ति जो अपना अपन नजदीक मन के सब सब दे ले आते हैं हमन नेतन के नजदीक मन के सब पहले आते हैं जो निमुखा देवता जो घायते हुई जो दुबई पक्ष के एडवोकेसी हमें करती ये हमारे हमारे जिला संजाल के न्यायीकरण के लग हमारी संस्था परियोजना खुल भाई जैसे कि हजुर उग्रह डंडा पीड़ित हुकन के संक्रमण कालीन न्याय संबंधी काम करती रह बाटी अशिख काम करती रह कतरा डंडा पीड़ित हुकन न्याय दिलाई सेक्ल बाटी अथवा निशेक्ल हुई का बाश्ली अपने न्याय देना राज्य काम हो जिसमें आय खुलल बाहर न्याय देना हमरे नहीं हमसे तो उनके सहजीकरण चल करती दोनों बुजुर्ग के हमरे न्याय देना हमारे न्यायपालिका के 2011 को फैसला राज्य काम में नहीं करल हो कोई हमारे से दंडपीड़ित दिन एकदम मानसिक ग्रस्त हो जाते हैं जैसे योजन अपराध के कोई सुनवाई नहीं हुई वो व्यवस्था परल मने कोई सुनवाई नहीं तो ये जो था घर का लूटन के संपत्ति फैसला नहीं हुई लो हमें तो न्याय के सहजीकरण के लगी संस्था हमें सहजीकरण चलते थे न्याय दिले राज्य काम हो भी आयोग बनल आते हैं आयोग ऊपर के चिमाइल बांटे कान बुजर ले आते हैं उन्हें कुछ नहीं करेंगे अपन गरीब मन के कब हेलवे नहीं करते वो आयोग तो खाली एक राजनीतिक नियुक्ति के लगे न्याय के लिए बनाई नहीं गरीब के वोट रखना काम हो खड़ा रखना खेल काम हो उनके और कुछ नहीं हो आयोग कुछ नहीं हो ये राजनीतिक दल जब तक इच्छा शक्ति नहीं हुई तब तक ये आयोग कुछ फंक्शन में और काम करे नहीं सीखेंगे तो हमारे मैं क्या कहता हूँ कि हमारे न्याय संपादन के परिवार हमें उनके फैसिलिटेटर के लिए काम करती है उनके सहजीकरण के लिए काम करती है हमें खुद ही न्याय नहीं दे रही राज्य और सरकार के विभिन्न सरकार केंद्र सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय लेवल में उनके समस्या के लिए अवगत कर रही थी कोई हमारे हमें न्याय संपादन में खुद थोड़ बहुत दोनों प्रदेशों के कुछ जैसे पीओपी सोशल काउंसिल कर ले बा वो फिर अभी के कुछ दोनों प्रदेश राज्य सरकार से हमारी यही बनाई की अंतिम जब तक केंद्र सरकार को फैसला नहीं आई दुई आयोग के परिपूर्ण के बारे में संबोधन नहीं तब तक पूरी हेरे पड़ी विभिन्न कर के कर में छूट दिए पड़ी कर ले आती विभिन्न वहाँ तो हर व्यक्त नगर पालिका में हमारे गल रही तो हम पूछ रहे थे वहाँ तो एक महिला के बहुत छूट देहल बाटे हमारी कैलाजी में तो नहीं यहाँ सुना देहम तो देहम काटे कब दी आपको पता नहीं हम उग्र प्रयास में बटे पड़े बाटे कोविड 19 के कारण हमारे घर घर से जा नहीं सके आती अब कोई फोन और जूम मीटिंग से हमें उनके संवाद हुई थी बात है जहाँ तक बाकी संवाद के माध्यम से हमारे न्याय निरूपण के लिए हमारे कईवटा फैसिलिटेटर के काम करती बाटी अब यहाँ बाकी राज्य काम हो राज्य का तो सुनी शीतल राज्य बा उनके जगहने बा उनके न्याय निर्माण में उनके लग कुछ राज्य कुछ संबोधन हुई तब ना हमरे कर दी समय दिली कार्यक्रम में धीरे धीरे धन्यवाद बा हजुर ली धन्यवाद अपने धन्यवाद बा जी सब तो बोले लग हम समझे लग धन्यवाद
न्याय हमार आधारभूत अधिकार हो। संक्रमण कालीन न्याय आग बढाई सहयोग कना उद्देश्य लेकर तयार पारगिलक रेडियो कार्यक्रम न्याय के प्रतीक्षा आस्केलाक अत्रह जैना से आग पीड़ी ठोकन के मनोसामाजिक समस्या लगायत में सहयोग ओ परामर्श केलाक टीपीओ नेपाल के हटलाइन नंबर 1660102005 मन संपर्क कर सकबे। कार्यक्रम के बारे में थप जानकारी या सलाह सुझाव पृष्ठ पोषण के लाग न्याय को प्रतीक्षा NYAYAKO PRATIKSYA20@gmail.com मेल कर सकबी या फोन नंबर 9843349999 मन फोन व SMS कर सकबी। जैती जैती एक फ्यारा फे फेसबुक मना हाम्रो पेज न्याय को प्रतीक्षा NYAYAKO PRATIKSYA मना लाइक कर कफे हमन हना आपन प्रतिक्रिया व सुझाव पठाई सकबे। 15 दिन पाछा यह समय में यह स्टेशन में ऐने निबाटी आज के कार्यक्रम से विदा हुई थी। राम राम।